वतन अजीज जो है वो मादनी वसाइल से माला माल है, मगर बदकिस्मती हमारी यह है कि करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने इस मुल्क से हर चीज़ छीन ली है। करप्शन की बात करेंगे और आज एक केस जो आया है रिकॉर्डिंग के हवाले से वर्ल्ड बैंक का, डॉक्टर साहब फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया है, कि एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा, दूसरा हर्जाना कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक अदारा है जो कहलाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि जो सरमायाकारी हुई है अगर उसके ऊपर कोई झगड़ा हो जाए तो फिर वो वर्ल्ड बैंक के तहत ये लोग फैसला करते हैं उसका। खबर साहब, स्टोरी शुरू होती है 1993 से। उस वक्त अबूरी वजीर आजम था विफाक में। मैं बहुत छोटा रहता था। आप तो मेरी जनरेशन की बात। अच्छा, मोइन कुरैशी साहब अबूरी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे विफाक में, और नसीर मैंगल साहब जो हैं वो वज़ीर आला थे बलोचिस्तान में। अब ये जो मादनी ज़खायर जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो तो शायद बलोचिस्तान में रिकॉर्डिक के हवाले से पिछले 500,000 साल से पड़े हुए थे। इनमें मामला ये होता है कि जब एक सोने की कान या तांबे की कान उसमें प्रूवन रिजर्व्स नहीं होते तो उसकी वैल्यू तकरीबन ज़ीरो होती है। जब प्रूवन रिजर्व्स आ जाते हैं तो फिर वो अरब हर डॉलर में चली जाती है। अब ये रिकॉर्डिक के ऊपर हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे रिजर्व्स हैं या नहीं हैं, और वो जानने के लिए तकरीबन 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी आई, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी बीएचपी के नाम से, उनसे एक मुआहदा किया गया, उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये मुआहदा किया कि आप 400 मिलियन डॉलर खर्चें, बलोचिस्तान के पास भी पैसा नहीं है और विफाक के पास भी पैसा नहीं है, आप पैसे ये लगाएं और अगर आपको सोना और तांबा यहाँ पे मिल गया तो फिर उसका 25% जो है वो बलोचिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, 75% जो है वो वाली कंपनी जो है वो उसकी तरफ चला जाएगा। और इसमें एक प्रोविजन और रखी गई थी कि वो 75% के ऊपर जो मुनाफा आएगा उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को, उसके ऊपर 35% टैक्स लगा करेगा। तो 35% टैक्स की शक्ल में विफाकी हुकूमत को मिल जाता और 25% उनका शेयर होल्डर जो है वो बलोचिस्तान को मिल जाता, तो 55% पाकिस्तान को आ जाना। आपके नजदीक ये अच्छी डील थी? देखिए, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपके पास पैसे वैसे ही नहीं है, एक फॉरेन कंपनी आती है वो अपने पैसे लगा के रिजर्व्स प्रूफ करती है, अगर वो सट्टा कर रहे हैं, अगर तो वहां पे तांबे के और सोने के रिजर्व्स मिल गए तो 25% बलोचिस्तान को मिल जाएगा, 35% आपकी विफाक को मिल जाएगा। अब ये मामला उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया, इसमें कुछ पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मोइन कुरैशी साहब के हवाले से, नसीर मैंगल साहब के हवाले से, उन्होंने शायद यहाँ कौमी मुफाद देखा कि यहाँ पे 500,000 साल से ये मादनी ज़राए पड़े हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा पैसा भी नहीं लगेगा। सही। अब वो चले गए और उनके बाद जो हुक्मरान आए उन्होंने कहा कि यहाँ तो बेशुमार सोना और तांबा निकल आया, उसमें हमें तो कोई पैसा नहीं मिला, हमारा तो इसमें कोई डील ही, हमारी शेयर ही नहीं बना। तो फिर इन्होंने उस कंपनी को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। सही। और इतना प्रेशराइज किया वो कंपनी पाकिस्तान से भाग गई। ठीक हो गया। अब वो कंपनी पाकिस्तान से भागने के बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में अपना मुकदमा दायर कर देती है और कल उस मुकदमे में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सही नहीं किया, उन्होंने मुआहदा तोड़ा है अपना। तो डॉक्टर साहब, बेसब्री का मामला नहीं, इस तरह के केसेस के जब डिसीजन होता है तो किस लेवल पे लीगली बाइंडिंग होता है कंसर्न पार्टीज के ऊपर? अगर फैसला आ गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से और ये फैसला इसी तरह रहता है तो पाकिस्तान को, वही जरा शाजी ने पूछा कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान हो सकता है। खावर साहब, इन आलमी इदारों की कोशिश पहले ये होती है कि दोनों फरीकैन मिल के बैठ के आपस में कोई फैसला कर लें, हमें बीच में मुदाखलत, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। अब यहाँ पे इन्होंने पहले इनको बहुत मौका दिया लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत उनसे उनसे मिल बैठने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अब फैसला सिर्फ ये दिया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, उन्होंने इसमें हर जाने तो पेनल्टीज नहीं डाली 2018 में। अब ये फिर दोबारा से इनको मौका देंगे कि आप लोग देंगे अपनी पोजीशन का, लेकिन अगर 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 पेनल्टी लगती है, देखिए 400 मिलियन डॉलर तो ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर खर्च कर चुकी है। डॉक्टर साहब, ये बिलियन डॉलर से कम की पेनल्टी नहीं, अगर ये इतना ही वो लो हैंगिंग फ्रूट था या इतना अच्छी डील थी तो आपकी जो जनरेशन के पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में चीज स्ट्राइक क्यों नहीं? डील जाया होगी, खत्म होगी, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं आया, तो अगर वो 55% आ जाता तो किसी ना किसी भला हो जाता, वो 55% में कुछ ना कुछ किसी किसी के पॉकेट में जाता,
इसके पीछे 55% तो पूरा हकूमती पॉकेट में जा रहा था ना, नहीं वो सर हकूमती पॉकेट में आ जाता, फिर हकूमती पॉकेट में फिर डेवलपमेंट फंड्स के नाम से, फिर स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के नाम पे, फिर वो स्वाप दीदी नाम पे कहीं ना कहीं। अच्छा, अब फ्रंट कमीशन तो नहीं थी ना मिल, सही अब फ्रंट कमीशन नहीं मिल। अब देखे ना, $1 बिलियन हम हमेशा कह देते हैं, बड़ा आसान है कह देना, $1 बिलियन अगर पाकिस्तान को पेनल्टी देनी पड़ती है तो उसका मतलब खबर साहब ये है कि पाकिस्तान का हर खानदान, आपका मेरा शाजिया का खानदान, हर खानदान के सर पे 4,000 रुपए का जुर्माना है।